जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। और आज की बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय परिसर में भारी मात्रा में छात्र एकत्रित हुए हैं, बीएड के छात्र हैं। पूरे मामले को हम समझते हैं और आज क्यों आए हैं परिसर में उसको भी समझते हैं। चलिए, मेरे साथ कुछ लोग हैं, छात्र हैं, उनसे जानती हूँ क्या है मामला। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नीलम कुमारी है। मैम, आज क्या हुआ जो आज विश्वविद्यालय पहुँचना पड़ा? मेरे को डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है बीएड का, मेरा बीपीएससी में हुआ है रिजल्ट। बीपीएससी में हुआ है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि बीएड का आप डिग्री सर्टिफिकेट लाएंगे तो आपका वैलिड होगा। मेरा कल लास्ट डे है। कल लास्ट डे? हाँ। किस सत्र के हैं आप बीएड? मेरा 20-22 सेशन है, 30 में मेरा रिजल्ट हुआ है। तो विश्वविद्यालय में आज किससे किससे संपर्क हुआ आज? मेरा एग्जाम कंट्रोलर से हुआ है, अभी डीएसडब्ल्यू मैम से हुआ है, छात्र नेता संघ से हुआ है। क्या बात हुई मैम? बोला गया है कि एक वो देंगे टेस्टिमोनियल, बट हमको जहाँ तक लगा टेस्टिमोनियल को वैलिड नहीं है, वो डिग्री लेगा ही लेगा। जहाँ तक पता नहीं अब क्या हो सकता है, अब कल ही जो होगा तो होगा। तो आप देख रहे हैं बीएड के छात्र काफ़ी परेशान हैं, कुछ के तो परिवार के लोग भी आए हुए हैं, लेकिन भविष्य दांव पर है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। सर, आपका क्या नाम है? संगीत कुमार राम। आप गार्जियन हैं? हाँ। सर, क्या कहना है, क्या मामला है? 23 तारीख को हम लोग रांची गए थे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो डिग्री सर्टिफिकेट मेरा बच्चा का बीएड का निरसा से पढ़ा हुआ है बीएड का, तो 20-22 का सेशन था तो वहाँ से बोला गया कि ये अंक जब तक आप नहीं ले आइएगा वैलिड डॉक्यूमेंट तब तक हम लोग मान्य नहीं है। तो हम लोग आए यहाँ पर तो यहाँ बोला कि नहीं, हम लोग डिजी लॉकर से निकाल के दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं एक ठो लेटर बना दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल देने के लिए इन लोग तैयार नहीं हैं। सर, ओरिजिनल जो है वो कॉन्वोकेशन के वक्त मिलता है? हाँ, ऐसा तो उन लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी हम लोग देंगे नहीं। तो आपके बेटे का जॉब लगा है? हाँ। किस विभाग में सर? पीजीटी टीचर। अच्छा, पीजीटी टीचर के लिए। तो आप सुन रहे हैं डिग्री की बात है और मिल नहीं रही है, सर आपको क्या कहना है? हमको सिर्फ यही कहना है कि हम लोग जब वहाँ पे जेएसएससी कार्यालय में पहुँचे थे तो वहाँ पे मैं 2020 से 2022 का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे जब मैंने जाके देखा तो लास्ट में मेरा बीएड का डिग्री प्रोविजनल था, तो वो एक नोटिस जारी कर दी मेरे ऊपर कि आपका पूरा बीएड का डिग्री पूरा कम्प्लीट नहीं है, इसलिए आपको एक नोटिस दिया जाता है, इसको आप लोग को 31 तारीख के अंदर आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक नोटिस जारी करेंगे हम लोग। तो मेरे को यही मांग है कि हम लोग को बीएड का डिग्री सर्टिफिकेट वो हम लोग को दे दिया जाए और वहाँ पे जो जेएसएससी में वहाँ पे हम लोग को मान। विश्वविद्यालय से क्या उम्मीदें हैं? यही उम्मीदें हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो हम लोग को मिल जाना चाहिए। बीसी सर से मुलाकात हुई क्या? नहीं, बीसी सर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन किससे मिले आप लोग? आज हम लोग एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिले, तो वो एक हम लोग को एक टेस्टिमोनियल बना के दे रहे लेटर जैसा कि वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। वहाँ पे वैलिड नहीं होगा तो फिर हम लोग का कैसे काम चलेगा? और फिर यहाँ पर जब हम लोग बिना वो बीवीएम के यू में आए तो यहाँ पर डीएसडब्ल्यू मैम से मिले, तो वो सबसे बात की, वीसी सर से बात की है, और वो बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं कि हम एक मेल करेंगे जीएससी को कि इन लोगों का जो भी डिजी लॉकर से बनाए दिया जाए या टेस्टिमोनियल तो जो बनाए दिया जाए। जितने लोग आए हैं सबका 31 तारीख ही लास्ट डेट है। यस मैम। और कल ही है। तो मैम, एक दिन में क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? कोई उम्मीद नहीं, हम अब हार चुके हैं, अब हम हार चुके हैं, बहुत दौड़े अब हम हार चुके हैं। सर बोल रहे हैं नौकरी छोड़ दो। आप सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि नौकरी छोड़ दो, तो लाइव इंडियन गार्ड की ब्रेकिंग खबर है। जब सबसे जिम्मेदार विभाग है परीक्षा विभाग है, परीक्षा नियंत्रक और वहां के जुड़े अधिकारी अगर ऐसा कह रहे हैं नौकरी छोड़ दो और कुछ नहीं किया जा रहा है तो ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानती हूँ। मैम, क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया कुमारी है। जेएसएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा केमिस्ट्री जो एमएससी का उसका डिग्री फंसा हुआ, 2021 मेरा पासिंग है और इन लोग बोल रहे कन्वोकेशन नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो 4 साल से क्यों नहीं हुआ, एक बच्चा का भविष्य सभी का खराब हो रहा है। और सपोज जैसे ये हम लोग को दिलासा नहीं है जो एक ऐसा फॉर्मेट में आप लोग को बना के देंगे, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है यहाँ का वीसी सर से भी, जो वो फॉर्मेट जैसे हम लोग को बना के दे रहे हैं तो वो जेएसएससी का चेयरमैन को भी यही बात बोले और उनसे ये आश्वासन ले जो हाँ इसको वैलिड दिया जाएगा। आपका भी 31 तारीख ही लास्ट है? 30 है मैडम, 31 किसी का नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? हम तो बोकारो से आए हुए हैं। बोकारो से आए हैं। लगभग कितने लोग हैं जो डिग्री को लेकर के परेशान हैं? लगभग यहाँ मेरा तो एमएससी वाला फंसा हुआ, बाकी मुझे लग रहा अभी 2 ही सब्जेक्ट का आया हुआ, उसमें करीबन 50-60 स्टूडेंट होगा और बाकी जब सब्जेक्ट आएगा तो उसमें और ये हजारों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा।
मेरा रिक्वेस्ट है जो अगर ये ऐसा कुछ करके दे रहे हैं तो ये JSSC के द्वारा मान्य हो, इसका हम लोग को भरोसा दिया जाए जी। उसके बाद ये जब डिग्री देंगे, हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो सोचिए इतना मेहनत के बाद हम लोग का सारा मेहनत खराब हो जाए। जी सर बोलिए। मेरा बोलना ये है कि अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिर्फ जारी हुआ है, अभी और 8 सब्जेक्ट्स बाकी हैं, और वो जब अगर जारी हो जाएगा तब तो फिर कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये हो जाएगा कि JSSC मानने वाले नहीं है, और जब यहाँ के भी सरकार नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे इससे पहले जो लैब असिस्टेंट का आया हुआ है उसमें भी ऐसा पता चला है, जो अधिकतर का जो रिजेक्शन हुआ है वो सारा सर्टिफिकेट का ही रीजन कुछ ना कुछ इशू के कारण ही हुआ, तो हम लोग का ये भी अंदर डर है, हम लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो अगर सपोज इतना कष्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद सिर्फ डिग्री के लिए हम लोग का नौकरी नहीं होगा, और झारखंड में आप जैसे जानते ही है व्यवस्था जो वैकेंसी का क्या हाल है, तो हम लोग कहाँ जाए। तो किसी के लिए अंतिम दिन है कल, तो किसी के लिए बस 30 तारीख ही आखिरी है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, पूरा का पूरा नौकरी। जी सर मैं सुन रही हूँ, नौकरी जो है वो दाव पर लग गई है और बेहद गंभीर मामला है। विनोद बिहारी परिसर से मैं बोल रही हूँ मल्लिका, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, लाइव इंडियन गार्ड आपको सुना रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कई ऐसे बच्चे हों जो सिर्फ डिग्री के अभाव में नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और जो अंतिम मौका है कुछ लोगों का वो भी खत्म हो रहा है। सर क्या कहना है? यही कहना है कि हम लोग को डिग्री बस दिलवाया जाए, और यहाँ पे जैसे हम लोग का DSW मेम से भी बात हुआ, बीएड की डिग्री है। हाँ, बीएड की डिग्री 2020-22 सेशन का है जी। तो हाँ, DSW मेम से बात हुआ, तो वो शायद VC से और किसी शायद वो बात किए, तो हम लोग को बोला गया कि ये डिग्री का एक प्रोविजनल देंगे, जबकि हम लोग को एक प्रोविजनल और माइग्रेशन मिलता है वो मिल चुका है, लेकिन VC यहाँ DSW में एक डिग्री, हम लोग का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है यहाँ DSW में बोली, वो डिग्री का हम लोग प्रोविजनल देंगे, तो हम लोग को प्रोविजनल, वो तो डिग्री का प्रोविजनल मिल जाएगा, वो ठीक बात है, लेकिन JSSC वो फिर हम लोग का मानेगा कि नहीं मानेगा बात, तो ये सबसे मेन मुद्दा ये है। तो यहाँ से यहाँ का जो अथॉरिटी है BBMKU का, इनको वहाँ पर बात करना चाहिए, और बात करके हम लोग को ये भरोसा दिलाए कि जो हम लोग को मिलेगा प्रोविजनल, डिग्री का जो प्रोविजनल मिलेगा वो वहाँ पर मान्यता मिलेगा हम लोग को। सर आपका क्या है आखिरी तारीख? मेरा 29 तारीख को है। 29 तारीख को है। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है, लाइव इंडियन गार्ड की वैसे बारीक से नज़र है और हम लगातार इसे दिखला रहे हैं। बीएड के छात्र जो हैं, कई लोगों की नौकरी लग गई है लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट का कोई अता पता नहीं है,